नमस्कार दोस्तों, हमारा शेडोल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आप सभी को सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। और अभी मैं आ गया हूं शेडोल के जाने पहचाने और ऐतिहासिक स्थल विराटेश्वर मंदिर के पास में। और यहाँ जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि अभी तक पिछले वर्षों तक यहाँ पे वृहद स्तर पर मेला भरा करता था, हालांकि इस वर्ष मेला नहीं भरा है ड्यू टू कोविड, सभी जानते हैं। हालांकि मेले का आयोजन होने वाला था पहले, लेकिन अब नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ भाड़ तो है, उतनी ज़्यादा नहीं है, वरना अभी मैं आपको यहाँ दिखला दूँ, यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती थी और पैर रखने की भी जगह नहीं रहती थी, काफ़ी ट्रैफिक जाम वगैरह होता था। हालाँकि इस बार ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल जो लोकल पर्सन हैं शहडोल के और आसपास के ज़िलों के, वो केवल यहाँ भ्रमण के हिसाब से आए हैं और वैसा क्राउड आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बार। तो चलिए हम पहले आपको विराटेश्वर मंदिर दिखलाते हैं। हालांकि मैंने विराटेश्वर मंदिर इससे पहले भी आपको दिखलाया था, और एक बार फिर से आपको मैं पुनः आज मकर संक्रांति के अवसर पर दिखलाना चाहूँगा। और उसके बाद हम मेला मैदान की ओर चलेंगे और दिखलाएँगे आपको मेला मैदान में क्या चल रहा है, कैसा है और कौन कौन सी दुकानें लगी हैं या नहीं लगी हैं। तो अभी हम खड़े हैं विराटेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में, और देख सकते हैं बड़ा गेट बंद है, केवल छोटा गेट ही खुला हुआ है भक्तों के आने जाने के लिए। और यहाँ पे बगल में खेत भी है, और ठीक आगे आप देख सकते हैं एक और मंदिर है, और यही बाणगंगा का मुख्य मंदिर कहलाता है। और चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं मंदिर कैसा है। और देख सकते हैं विराटेश्वर मंदिर में पूरा एक पार्क टाइप का बनाया गया है, और लोगों के लिए आने जाने के लिए यहाँ पे एक राह का निर्माण कराया गया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मंदिर देखने से। और आने वाले समय में ये और भी भव्य बन जाएगा, आसपास का जो पार्क है ये डेवलप किया जाएगा हो सकता है, और हो सकता है आपको यहाँ पे फूल के पौधे और भी अनेकों अनेक प्रकार की गार्डनिंग देखने को मिल जाए। आज मकर संक्रांति के अवसर पर आप देख सकते हैं काफ़ी कम संख्या में लोग यहां आए हुए हैं भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जबकि पिछले वर्ष की हम बात करें तो यहां काफ़ी भीड़ रहती थी और यहां पे मतलब लोगों का तांता लगा रहता था अब दर्शन के लिए। और देख सकते हैं पूरा मंदिर परिसर बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हैं विराटेश्वर मंदिर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और विराटेश्वर मंदिर के ठीक सामने एक बावड़ी बनी हुई है, बता दें कि काफ़ी पुराना इतिहास है, प्राचीन इतिहास है विराटेश्वर मंदिर, जो कि शहडोल में स्थित है, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने भोलेनाथ जी के। यदि आप भी विराटेश्वर मंदिर आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए और भ्रमण के लिए, तो मैं बता दूँ शहडोल आने के लिए आपको सीधे रेल मार्ग मिल जाएगा, जहाँ से कि आप कटनी बिलासपुर के मध्य कई सारी ट्रेनें चलती हैं, जो कि लगभग सभी ट्रेनें जो हैं शहडोल में रुकती हैं। और सड़क मार्ग से अगर आप आना चाहते हैं तो शहडोल रीवा मार्ग से जुड़ा हुआ है, शहडोल कटनी मार्ग से जुड़ा हुआ है। इधर अगर आप जाएँगे तो मनेंद्रगढ़ हो गया और अनूपपुर हो गया, यहाँ से भी आप शहडोल आ सकते हैं और विराटेश्वर धाम के जो हैं तो दर्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ ये मेला मैदान है यहाँ पे थोड़ी दूरी पर, और अभी हम विराटेश्वर मंदिर के बाहर आ गए हैं। और बतला दूं कि यहाँ पिछले वर्ष की अगर आप आए होंगे और पिछले वर्ष तक अगर आप आते रहेंगे तो काफ़ी बृहद स्तर पर यहाँ मेला भरा रहता रहा था, हालांकि इस समय मेला बिल्कुल भी नहीं भरा है। और देख सकते हैं कुछ दुकानें वगैरह ज़रूर लगी हुई हैं, और देख सकते हैं जहाँ पिछले वर्ष तक यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, काफ़ी सारी दुकानें लगा करती थी गन्ने के, तो लैया गरारा वाले और भी कई सारे खिलौने रहते रहे बच्चों को, वहाँ सिर्फ एक दो लोग ही आए हैं, वो भी चूँकि वो बाहर से आ गए हैं, तो वो भी अब क्या करें, वापस भी जाना है, तो शायद इसी उम्मीद में कि शायद कुछ धंधा पानी हो जाए। और यहाँ पे देखिए ये बाजा वाला कुछ बच्चों के वाद्य यंत्र रखा हुआ है, बांसुरी वाला,
जबकि इनकी बांसुरी वगैरह जो है सिर्फ दो दिन में ही सारी बिक जाती थी, और तो काफ़ी सारा स्टॉक रहता था, लेकिन बड़ा देख के ख़राब लगता है ऐसा कि भाई मेला नहीं भरा है इस बार कोविड के कारण। तो हम इस प्रकार जो दृश्य दोबारा फिर कभी नहीं देखना चाहेंगे, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि अगले वर्ष से बहुत ही ज़ोर शोर से और बृहद स्तर पर भव्यता के साथ बाणगंगा मेला, जो कि न सिर्फ शहडोल में बल्कि शहडोल के आसपास पूरे क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं मेला देखने के लिए, और रात के समय भी काफ़ी मेला यहाँ अच्छा चलता है, लेकिन देख सकते हैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो थोड़ी बहुत लोग दिखलाई भी दे रहे हैं ये अमूमन शहर के ही लोग हैं, और ज़्यादातर लोग मंदिर आए हुए हैं दर्शन करने। तो मैं अब यही कहूँगा कि यार ऐसा तो मुझे बिल्कुल देखना अच्छा नहीं लगता, और शायद आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगे ऐसा देखना। जबकि 10 दिन पहले हमें समाचार पत्रों और टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि बाणगंगा का मेला लगेगा, और फिर अचानक से कोविड के केसेस बढ़ने लगे, और इसकी वजह से मजबूरन जो है तो प्रशासन को फैसला लेना पड़ा कि भाई इस बार मेला स्थगित किया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के कुछ खिलौने हैं, लेकिन बच्चे नदारत हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे नदारत हैं, जबकि मेले में आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे आते हैं, क्योंकि एक उत्साह रहता है साल भर में कि भाई मेला देखने जाना। तो ये देखिए यहाँ गन्ने वाले इक्के दुक्के आए हुए हैं, जबकि यहाँ पर कतार लगी रहती थी गन्ने वालों की, काफ़ी संख्या में गन्ने यहाँ आते थे विक्रय करने। और यहाँ जहाँ हम अभी चल रहे हैं यानी कि स्वामी विवेकानंद उद्यान के सामने, पार्क के सामने, तो यहाँ पे बहुत सारी मनिहारी वगैरह की दुकान लगा रहती थी पिछले वर्ष जब आप आए होंगे मेला में। तो ये देखिए स्वामी विवेकानंद उद्यान है यहाँ का बाणगंगा का, और यहाँ पे मनिहारी की दुकान रहती थी, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता था, काफ़ी सारे लोग आते थे। और मैं अभी आपको आगे चल कर दिखलाता हूँ बाणगंगा मेला मैदान जो है मुख्य मैदान, वहाँ पर क्या स्थिति है। और ये देखिए भाई ये है बाणगंगा मेला मैदान, मुख्य मैदान है, और देख सकते हैं काफ़ी सूनापन नज़र आ रहा है, देखकर बड़ा ख़राब सा लग रहा है। अभी जहाँ वाहन वगैरह पार्क हुए हैं यहाँ पर काफ़ी सारे झूले, बड़े बड़े हवाई झूले और तरह तरह के झूले लगे रहते थे, काफ़ी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता था। और साथ ही यहाँ पर और भी कई दुकानें रहती थी जो कि अब इस बार नहीं लगा है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूँगा कि इक्के दुक्के ही सही जो लोग आए हुए हैं हमारे शहर शहडोल में मेला लगाने के उद्देश्य से, मेले में व्यवसाय के उद्देश्य से, चूँकि काफ़ी दूर दूर से आते हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से भी आते हैं, तो अगर उन्हें किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती, तो अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप अपने स्तर से जो भी बन सकता आप मदद ज़रूर करिएगा। तो बस दोस्तों धन्यवाद।